और इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। हमारे बहुत से व्यूवर्स हमसे पूछते हैं कि उन्होंने होलसेल ड्रग लाइसेंस भी ले लिया है, जीएसटी नंबर भी ले लिया है और कुछ नहीं कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, तो अब वो नेक्स्ट क्या करे, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए। तो अगर आपने भी अपनी मार्केटिंग कंपनी शुरू कर ली है, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर शुरू कर लिया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढना जो आपके लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा। आप अगर डीपली जाना चाहते हैं मार्केट बाय के साथ साथ अब मैन्युफैक्चर्ड बाय एड्रेस भी खुद का करना चाहते हैं और बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के या यूनिट के करना चाहते हैं, तो आप लोन लाइसेंसिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस। तो अगर आप थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो बेसिकली क्या रहेगा, या तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आप बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल्स पे जाके भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो अपना मेडिकल न्यूज़पेपर्स के थ्रू या हेल्थ मैगजीन के थ्रू भी ऐड देती रहती है। जो बुक्स वगैरह होती है ड्रग्स से रिलेटेड, उनमें भी आपको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की ऐड वगैरह मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद आप 4 से 5 मैन्युफैक्चरर या ज़्यादा भी चूज करिए, उनको सबको जो जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं उनकी क्यूटेशन सबको डालिए। उसके बाद उनके रेट्स आएंगे, रेट्स को कंपेयर करिए, उनकी क्वालिटी को कंपेयर करिए, मार्केट में उनकी क्या रेपुटेशन है, क्या उनकी क्वालिटी रहती है, क्या उनके पास सर्टिफिकेशन है, जीएमपी है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी है या दूसरी कौन सी सर्टिफिकेशन उनके पास है, वो सब चेक करिए। उसके बाद सभी तरह से सेटिस्फाई होके कोई मैन्युफैक्चरर चूज करिए, क्योंकि रेट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए, रेट भी बेटर चाहिए। आपको मल्टीनेशनल कंपनी से भी कम्पीट करना है, आपको लोकल कंपनी से भी कम्पीट करना है, इसलिए आप सारी चीज़ें देख के उसके बाद मैन्युफैक्चरर सर्च करिए। उसके बाद आप अगर मैन्युफैक्चरर सर्च कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरर आपने सर्च कर लिया है, उसके बाद उसके साथ डिस्कस कर लिए, या तो उसके साथ मीट करिए या टेलीफोनिक भी हो जाता है, मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि आप मीट करते हैं, या आप साउथ में हैं तो नॉर्थ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ जुड़ रहे हैं, या नॉर्थ में हैं तो साउथ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको पर्सनली जाने की जरूरत है। आप फ़ोन टू फोन भी बात कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मेल ईमेल्स के थ्रू रखिए, रिटर्न सबको डॉक्यूमेंट्स रखिए, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो फिर आप एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट तैयार करा दीजिए, जो आपकी पेमेंट टर्म्स है, जो आपकी डिलीवरी टाइम है, जो आपका ब्रांड नेम एफिडेविट वगैरह है, जो वो सब आप रेडी करा लीजिए। पेमेंट टर्म्स में क्या रहेगा, पेमेंट टर्म में क्या आपका रहता है, मोस्टली जिन भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ आप जुड़ते हैं वो 25-30% इनिशियल स्टेज पे आपसे एडवांस लेगी, रिमेनिंग जो पेमेंट रहती है वो फिनिश गुड्स जब आपका रेडी हो जाएगा उसके अगेंस्ट वो फॉर्मा इनवाइस आपको डालेंगे, तो जो फॉर्मा इनवाइस वो डालेंगे उसके अगेंस्ट आपको डलवाना पड़ेगा जब वहाँ से डिलीवरी करेंगे। और जो आपका डिलीवरी टाइम रहेगा वो मोस्ट बेसिकली इनिशियल स्टेज पे जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो 25-30 डेज रहता है, 35 डेज भी रहता है, कुछ कंपनीज के साथ 40 डेज भी रहता है, कुछ कंपनीज कम में भी दे देती है, लेकिन बेसिकली आप 25-35 डेज मान के चलिए कि आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या मतलब आपको जब आप उनको ऑर्डर डालते हैं उसके बाद आपको रिसीव होने में 35-40 डेज लग जाएंगे, 35 डेज तक आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लग जाता है प्रोसेस। अब ब्रांड नेम एफिडेविट किस लिए जरूरी होता है, ये आपका क्या रहता है कि जो आपकी ओनरशिप है, जो आपके ब्रांड्स की ओनरशिप है वो आपकी है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मैन्युफैक्चर किसी भी स्टेज पे वो उन ब्रांड नेम की ओनरशिप शो नहीं कर सकता। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई आपके एरिया में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपका C&F डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी अप्रोच करे तो वो किसी भी कंडीशन में किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा, किसी और मार्केटिंग कंपनी अगर उसी ब्रांड नेम से उनसे बनवाना चाहती है तो वो उसको नहीं बनाएगा। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो वो बहुत ही बेटर रहेगा आपका इस सिचुएशन में। ये सारी आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, पेमेंट टर्म्स की, आपकी डिलीवरी टाइम की, आपके ब्रांड नेम एफिडेविट की, आपकी एग्रीमेंट की, तो उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद होता है एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है। उसमें क्या रहता है, आपका डिजाइनिंग रहता है, डिजाइनिंग के बाद जब आपका फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद वो अपना पैकेजिंग मटीरियल का जो इक्विपमेंट होता है उसमें जाएगा, आपका डिजाइनिंग आपकी रेडी हो चुकी है तो आपके डिजाइन पैकेजिंग जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जाता है, जैसे आपके बॉक्स हो गया, फॉयल हो गया, आपके लेमी हो गया, जो भी आपके पास जिस भी तरह का आपको प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से आपका पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर्स को भेज दिया जाता है डिजाइन, वहाँ से आपका पैकेजिंग मटेरियल बन के आता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह
जो मिसलेनियस चीजें होती है वो सब मैन्युफैक्चरर्स द्वारा इकट्ठी कर ली जाती है। वैसे पैकेजिंग मटेरियल भी और डिजाइनिंग वगैरह भी मैन्युफैक्चरर्स आपका काम कर देंगे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स के पास डिजाइनर्स भी होते हैं, उनके पास लिंक्स भी होते हैं पैकेजिंग सप्लायर्स की। लेकिन अगर आप खुद भी डिजाइनिंग अपने प्रोडक्ट्स की करा के भेजना चाहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स अपने अपने बिहाफ पे भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप नए हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा लिंक्स नहीं है, तो सब कुछ मैन्युफैक्चरर्स पे भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इस वाली बात नहीं है। जब सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो आपको परफॉर्मेंस भेजेगा। जितनी इनिशियल आपकी पेमेंट आ गई उसमें से जितनी आपकी बच जाती है वो आप मैन्युफैक्चरर्स के अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। तो आपका गुड्स जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम रहेगा, आपका ट्रांसपोर्ट रहेगा, लॉजिस्टिक रहेगा, कुरियर रहेगा, या आप बाय हैंड लेना चाहते हैं, तो वो सारा उस तरह से आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आपके पास मटेरियल आपका आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जाएगा, आपका प्रमोशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है तो उस प्लान पे प्रोसीड करेंगे। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कन्फ्यूजिंग प्रोसेस नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत है। ये सिंपल सा प्रोसेस है और उसको आप इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड या दूसरे टेक सेक्टर से जो रिलेटेड है, जैसे आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक्स, फूड सप्लीमेंट, तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के हमसे उसका जवाब पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।